नमस्कार दोस्तों, टैग गुरु मास्टर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रेगुलेटर सर्किट बनाकर दिखाऊंगा, जिससे आप 1 वोल्ट से लेके और 9-10 वोल्ट तक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये रेगुलेटेड सर्किट है, इससे आप कितना भी रेगुलेशन कर सकते हैं। और इसमें 12 वोल्ट देकर 12 वोल्ट से हम 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 10 वोल्ट तक इस सर्किट से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मात्र ये 2 आइटम लगते हैं। ये देखिए, ये इसमें ये कि ये पोटेंशियल मीटर है 100K का, ये 100K का एक टोन है। और ये एक मॉस्फेट है Z44, ये मॉस्फेट है। ये मात्र इसमें 2 सामान लगेंगे, ये इसमें 2 सामान लगेंगे ये। और इन दो पार्ट्स की मदद से आप वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं। तो आइए इसको हम बनाकर दिखाते हैं। इसमें जो ये Z44 है, ये इसका जो गेट है, ये पहले पिन नंबर 1, ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो जो है ये इसमें ड्रेन और सोर्स है, ये हम इसको जो इसका गेट है वो पोटेंशियल मीटर के सेकंड में लगा देंगे इसको। ये इस तरह से हम इसको जो गेट है ये पोटेंशियल मीटर के सेकंड में सेंटर में लगाएंगे, और जो बीच का ड्रेन है वो साइड वाले पोर्ट पिन पर लगा देंगे, जो ये पोर्ट है। और ये वाला पोर्ट इसको जो है ना, ये नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। और ये दोनों के हम नेगेटिव हो गए, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों का नेगेटिव रहेगा। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इनपुट आउटपुट का दोनों का नेगेटिव रहेगा। और इसकी पॉजिटिव इनपुट, ये बीच वाला पॉइंट यानी कि ड्रेन, ड्रेन को हम पॉजिटिव देंगे और सोर्स से हम लेंगे आउटपुट लेंगे। ये हमारा आउटपुट होगा, यानी कि ये वाली आउट हमारी वायर आउटपुट की है और ये वाली इनपुट की है। ये देखिए, सोर्स से हम पॉजिटिव आउटपुट लेंगे और ये जो पोटेंशियल मीटर का जो ये पॉइंट है, इससे दोनों के नेगेटिव इनपुट और आउटपुट दोनों नेगेटिव। और पॉजिटिव वोल्ट हम देंगे ड्रेन को, बीच वाले को। तो आइए इसके मीटर, वोल्ट मीटर चेक करते हैं। ये हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमने इसमें दी। ये देखिए 12 वोल्ट आए हुए हैं। ये हमारी 12 वोल्ट इनपुट है। और अब हम आउटपुट चेक करते हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये देखिए, अब हम इसको वेरिएशन करके देखते हैं। ये देखिए 2 वोल्ट आए हुए हैं, देखिए वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं। और ये अब हमारे लगभग इसमें 10 वोल्ट आ गए हैं। और देखिए, ये मिनिमम से मिनिमम 1 वोल्ट से भी कम इसमें कम हो सकते हैं। ये देखिए, ये मात्र 1 वोल्ट है अब इसमें 1 वोल्ट। थोड़ा और घुमाएंगे, ये देखिए 2.3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, और ये जैसे जैसे घुमाएंगे और वोल्टेज बढ़ती जाएगी। और ये भी लगभग 10 वोल्ट। तो इस तरह से ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट बन गया है।
अगर हमें डाउन वोल्ट करने हैं, और मात्र दो पार्ट से, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये और एक मॉसफेट है Z44। इन दो पार्ट से ये हमारा रेगुलेटर बन गया है डाउन, वोल्टेज डाउन करने के लिए। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट में, अगर आपके पास 12 वोल्ट है और आपको कम वोल्ट चाहिए, तो आप ये दो पार्ट्स लगाकर डाउन सर्किट बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके एम्पेयर बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।